लग गया लग गया। आ, कुकिंग हो रहा है इसमें। हल्दी नहीं लगा? नहीं देंगे बिना हल्दी के साथ। हाँ। लोकल पूरा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक। मशरूम भाई या ये है मजा। पूरा फिनिश कर दूंगा। वाह। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो में। तो गाइस अभी आया हम लोग जंगल का सब्जी खोजने के लिए। यहाँ पर पैदल हाथ है, जंगल के केला के फूल है और कई प्रकार का जंगल की सब्जी पाया जाता है यहाँ पर। और ये भी सब्जी है बहुत। यहाँ से हम लोग इसी यही प्रकार का सब्जी हम लोग खा कूद कर लेके जाएंगे, उसका बाद खा फिनिश करेंगे। ईटिंग एंड कुकिंग होगा। सो यहाँ पर एक तो केला के फूल निकल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी होगा। पिछले महीने हम लोग यहाँ से लेके गया था केला के फूल। तो गाइस यहाँ पर सब्जी की कोई कमी नहीं है, जंगल का सब्जी। भाई साहब लोग, आप लोग इसे क्या कहते हैं हिंदी से जरूर कमेंट करके बताना। इसका सब्जी बहुत ही मस्त होते हैं। यहाँ पर ये सब्जी है और वहाँ पर दो तो नजर आ रहा है केला के फूल। मैं दोनों को फिनिश कर दूंगा अभी। तो दोस्तों जंगल का सब्जी खाना इतना आसान नहीं है और बहुत झोंक खात रहा है नीचे, तो कुंडलाद भी बढ़ रहा है। तो प्रियंका लोग वहाँ पर रह गया, तो मैं और साली आया है, मैं यहाँ पर खात रहा हूँ और साली आगे खात रहा है। ऐसे मेरे साली बहुत साहस से यार, कुछ डरता नहीं जंगल वंगल। तो जंगल का सब्जी को भी खरीद कर मेरे साथ आया है जंगल पे। ये मिल चुके हैं और भी यहाँ से खटेंगे। तो मिला मशरूम मिला बस। सो भाई साहब लोग तो अंदर पे बढ़िया बढ़िया सब्जी नजर आ रहा है, तो उसको मैं फिनिश करूंगा, उसको ले जाऊंगा पूरा मोटा मोटा। यहाँ से जाने के बाद कुकिंग होगा, कुकिंग। अरे भाई साहब बहुत ही मस्त होते हैं ये सब्जी। सो अगर पता है तो बताना यार, तो आपके बच्चों से क्या कहते। तो काफ़ी मिल चुके हैं सब्जी। लग गया लग गया लग गया, एक जानता से मारे ताक करके लकड़ी से। कोई बात नहीं, इतना मिल चुका है जंगल का सब्जी। तो यहाँ पर कोई वो खाओ चलाते हैं ना, तो वहाँ पर एक कैंप है, तो वहाँ पर प्रियंका लोग रुका हुआ है। तो बहुत झोंक है यहाँ पर। तो साले तो जा चुके हैं, मैं अकेले रह गया हूँ जंगल के अंदर, तो मुझे भी जाना पड़ेगा उस तरफ। तो किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है यहाँ पर, और इस जंगल पे हिरन भी होगा, क्योंकि हिरन का वो उसका टट्टी जहाँ तहाँ है हिरन का टॉयलेट। वाह अमेजिंग, यहाँ पर बहुत मिल चुके हैं। यहाँ पर जंगली मशरूम, ये चार दिवैत होगा। तो यहाँ पर आंटी जी बहुत खोज के लेकर आई हैं, और यहाँ पर पिदर हथपान और केला के फूल, और यहाँ पर तो मशरूम बहुत है। तो साले को भी बहुत मिल चुके हैं और प्रियंका को मिल चुके हैं। ये सब सर प्रकार के दिवैत होगा गैस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चार आदमी आया खोजने के लिए। तो ये मतलब पता नहीं किसका कैंप है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर कुछ तो गाय चराते हैं, वो लोग का होगा, तो वहाँ पर रुक गया, ज़्यादा बारिश पड़ा इसलिए। सो यहाँ पर प्रियंका जंगल के केला के फूल को इसमें खात रहा है फेर को। तो मिल गया ना, मिल गया। तो और आगे भी बहुत है। हाँ। थक गया ना तू? थक गया। ना नहीं थका? थका। मिल गया ना? मिल गया। मेरे पास तो छता है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा बिक गया। आज मेरे प्रियंका बीमार हो जाएगा यार। मोबाइल भी मत बिक गया। और यहाँ पर बहुत हैवी सब्जी मिल चुका है, तो ऐसे करके जा रहा हूँ कि लग रहा है कि मैं 10 रुपया हूँ। तो ऐसे होता है हमारा यहाँ का जिंदगी। तो लोकल ऑर्गेनिक सब्जी तो मिलता है, तो वो खाने से मतलब इतना पेट नहीं भरता है, इसलिए आया हम लोग यहाँ पर जंगल की सब्जी ढूंढने के लिए। तो और भी है, तो इससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो क्योंकि ये बाहरी नदी है ना, ब्रह्मपुत्र का रिवर धीरे धीरे करके बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मजबूरी है भाई लोग तो जाना। तो धूप होने से हम लोग खाल को फिर से आ जाएंगे। बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई, देखना बहुत बड़ा नदी है, इसको खरस खर के जाना है। और यहाँ पर नदी का किनारा एक एलिफेंट एप्पल के फेर है, थका हुआ सब। तो ये बहुत हैवी है, इसको हम लोग जैसे जैसे लेके जा रहे हैं तो दिख नहीं जाएंगे एलिफेंट एप्पल, नहीं तो लेके जाना था। ये वाला नदी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या करेगा भाई, उपाय नहीं है। सो ये लोग आगे आगे जा रहा है, तो नदी मतलब बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ऊपर में बारिश हो रहा है इसी कारण से। और मैं रह गया हूँ पीछे, तो मुझे भी प्रश्न पड़ेगा इस नदी को। यहाँ पर काफ़ी सारा सब्जी ले चुके हैं। तो गैस इसका वेट होगा लगभग 10-12 किलो होगा, क्योंकि जंगल का सब्जी ना ताज़ा ताज़ा सब्जी है, इसलिए बहुत बारीक होता है भाई।
सो गाइस अभी मैं जाऊंगा ससुर का घर पे, तो यहाँ पर बोचरा मिल चुके हैं, तो ये लोग मतलब यहाँ पर रहेंगे, उसका बात तो ये लोग जाने के बाद इसको बांटेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे चार भागों में। तो मेरा मुँह क्योंकि बहुत बिकेगा है, इसलिए मुझे पाकना पड़ेगा बहुत ही जल्द। ये लोग जा रहा है उधर में, हाँ यहाँ पर कैमरा भी गया। दोस्तों ये सफेद वाला मशरूम बहुत ही मीठा होते हैं, तो इसे खाएंगे, पता नहीं कैसे बनाएंगे इसे। फाइनली ये लोग पहुँच चुके हैं, तो कितना लेके आया ये लोग? बहुत ज़्यादा यार। तो छता में घुसे का लेके आया क्या? क्या लोकल जुगर है ये, इतने जल्दी जल्दी आ गया था क्योंकि बहुत तेजी से बारिश हो रहा था, तो मोबाइल बिकने से खत्म, तो दोनों मोबाइल बिक रहा था, मेरा जैकेट वहाँ पूरा बिक चुके हैं बड़ी तरीके से, तो जैकेट को वहाँ पर मैं टांग कर रख दिया हूँ ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पर एक बैग है, यहाँ पर भी मशरूम है, यहाँ पर है मशरूम, हाँ यहाँ पर भी है, बहुत है, एलिपन एप्पल भी है, और भाई बहुत हैवी है यार, तो इसको ऊपर रखते हैं। मेरा पेन भी बिक चुके हैं, तो ये प्रियंका लगे बिक चुके हैं, कहा डंचिंग कर रहा है फिर से, ठंडा मुझे बहुत ही ठंडा लग रहा है, तो मैं अभी आग जलाऊंगा यही लकड़ी से बहुत ही जल्दी जल्दी का। ये वाला लकड़ी नदी के किनारे बहुत मिलता है, किले 200 रुपये में बिकता है झारखंड में, ये वाला हमारे यहाँ पर आग जलाते हैं इससे, अमेजिंग फैंटास्टिक, इसे बॉयल करके खाएंगे और ये बनेगा फेराई, वाह इतना ज़्यादा ज़्यादा, वो बाप रे बराबर है ना, बहुत ही बराबर है, ये भी बड़ा है, तो सॉरी ये लिपन एप्पल है। अब तो गैस इससे मतलब बढ़िया से वॉश करके इसको कुकिंग करेगा, मैं नहीं करेगा, ये साले करेगा, तो साले का सब्जी बहुत ही मस्त और हैंडसम होते हैं। तो ये लेके आए हैं जंगल का सब्जी, तो गैस इसे हिंदी से क्या कहते हैं पता नहीं, सो गैस अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताना। ये पैदल हाट का ये लगा इसमें, तो इसलिए मतलब बेकार लग रहा है, तो ये हमारे घर का हिस्सा, तो लेके जाएंगे आज मैं यहाँ पर खाना खाने के बाद घर जाऊँगा। मेरा पैंट तो पूरा बिक चुका है बुरी तरीके से, सो अभी मैं पहना हूँ यहाँ का लोकल वो ट्राइबल्स का जो लुंगी होते हैं, और ये तो मेरा एक औरत ने मेरा वो ससुर बुरा को गिफ्ट दिया था, वही लुंगी नया नया लुंगी है, मैं पहले उद्घाटन किया हूँ, ये मैं पहना हूँ, तो ससुर बुरा अंदर पे है इसलिए मेरा आवाज़ छुटा छुटा हो गया, धीमा धीमा करके बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरी साली अभी यहाँ पर मशरूम को बढ़िया से वॉश कर रही है, ये पूरा सफेद सफेद हो गया अभी वॉश करने के बाद। ये कैसे बनाओगे? बॉयल करके यहाँ पर, और चाहिए पानी थी वाला दो लाओ। एक्सोल में हम लोग दो प्रकार का मशरूम मिल चुके हैं, तो अभी यहाँ पर वो बॉयल होगा गर्म पानी, यहाँ पर प्याज कटिंग हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों वो आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं मशरूम, व्हाइट वाला मशरूम आज पकाएंगे और काल वाला पकाएंगे, वो वाला लाल वाला चूहा का खान के जैसा वाला उसको पकाएंगे, तो दोनों का प्रोसेस अलग अलग होते हैं, तो ये इसका प्रोसेस तो थोड़ा डिपेंडेंट है, इसे बॉयल करेंगे बस उसको मतलब फ्राई करेगा। तो यहाँ पर नमक मिर्ची प्याज सब कुछ दे रहे हैं, बॉयल बनेंगे ना, बॉयल ना, ड्राई फिश भी देगा ना यहाँ पर, नहीं देगा ड्राई फिश के साथ, कुकिंग हो रहा है इसमें, हल्दी नहीं लगा बिना हल्दी के साथ, लोकल पूरा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक, मशरूम भाई मशरूम, पूरा बॉयल, हल्दी वाले कुछ नहीं है, ड्राई फिश ड्राई फिश कुछ नहीं है, हाँ टेस्टी है, मस्त यार, हो बाबरे और टेस्ट करो उसका सूप, स्वाद कैसा होगा? बढ़िया ना, वाह मजा, वाह ब्रे क्या बात है, बॉयल सूप भी बिना हल्दी के साथ, सूप सूप भी है, यहाँ पर क्या क्या डाला? प्याज बस, प्याज और रसून मिर्चा, जरा पीस तरह कुछ नहीं डाला, लेकिन स्वाद बहुत मस्त हुआ, सूप सबसे ज्यादा मस्त हुआ ना। सो अभी यहाँ पर बनेगा ड्राई फिश के साथ, मिर्ची तो बहुत डला है, ये पिदघर पान इसे बढ़िया से वॉश करके रखा है। सो गैस यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं जंगली मशरूम की सब्जी बिल्कुल बॉयल, सो यहाँ पर इलिपन एप्पल के साथ बनेगी पिदघर पान, वाओ अमेजिंग फैंटास्टिक, पैदल हट पान और ये इलिपन एप्पल, और ये है फेवरेट मशरूम, नमक दो खा लो तो भी।
फिनिश करो फिनिश करो। वाह तो गाइस मुझे बहुत ही भूख लग रहा है। बारिश में बिक के हम लोग जबरदस्त सब्जी खोजने के लिए गया था तो बहुत मिल चुके हैं। या ये है मजा। वाह पेजल हटपन मजा। वाह थोड़ा बॉयल है ये पूरा फिनिश कर दूंगा। पूरा गरम गरम खा रहा हूँ पूरा धुआं भी उड़ रहा है। चेहरा बढ़िया से नज़र नहीं आ रहा होगा इतना गर्म है फिर भी खा रहा हूँ। हार नहीं मानूंगा फिर भी खाऊंगा नहीं छोड़ूंगा। सब का सब खलास कर दूंगा। खाना खाने के बाद यहाँ पर आया सबके सब आग थापने के लिए। सो गाइस तो फाइनली खाना वाना कंप्लीट हो चुका है लेकिन मैं आज यहाँ पर रह जाऊँगा क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है तो रात भी है। मैं साइकिल से आया हूँ तो साइकिल चलाऊँ या मोबाइल पकड़ूँ तो और तरह सब्जी भी हैवी है तो रोड पे रोड खराब काफ़ी ख़राब है। रोड पे पूरा गद्दा हुआ है तो गद्दा पे पानी बहुत जमा हुआ है तो मैं इसलिए आज अपना घर नहीं जाऊंगा यहाँ पर रह जाऊंगा। सो गाइस आज के वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट। भी बढ़िया से रहना।